तो इधर कंसंट्रेट करिए, कहानी पर कंसंट्रेट करिए, अपनी आपस में चर्चाएं थोड़ा सा बंद रखिए, क्योंकि आपस में जितनी चर्चाएं करोगे कंसंट्रेट तो नहीं कर पाओगे। तो मेरे लाल लाल आपस में चर्चाएं करेंगे तो फोन नंबर शेयर करके बातचीत कर लो, पर क्लास जब भी करो तो ईमानदारी से करो। फिर तुम कहोगे कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, यही कारण है कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी को जब वीर रस कहा जाए तो श्रृंगार रस में आ जाता है। हिंदी माध्यम के लाल लालियों को जब कोई ईमानदारी से पढ़ा रहा होगा तो उसे हवाबाजी वाला मास्टर पसंद आता है। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी को जब कहा जाए कि तैयारी पर फोकस करो तो वो किसी और पर फोकस करता है। ये वो लाल लाली है जो सारी दुनिया में गंदगी फैला रहे हैं कि हिंदी माध्यम का सिलेक्शन नहीं होता है, और इन्हीं गंदगी वाले बच्चों ने ही हिंदी माध्यम को बदनाम किया है। जबकि मेरे हिसाब से हिंदी माध्यम का विद्यार्थी जितना भावुक होता है उतना ही ज्यादा ईमानदारी से मेहनत करना भी जानता है। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी जमीन से जुड़ा हुआ विद्यार्थी होता है। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी सच में जानता है कि क्या कठिनाइयां उसने झेली हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। पर ये गंदे लोग हैं जो आपस में चर्चा करके जीवन का आनंद लेना चाह रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से खुला सजेशन है कि आप लोग अपने नंबर मोबाइल नंबर शेयर कर लो और आपस में जीवन का आनंद प्राप्त करो, क्योंकि श्रृंगार रस की प्राप्ति की यही आयु है। अगर इसके बाद तुम प्राप्त करना भी चाहोगे तो नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों के अंदर श्रृंगार रस के लिए प्रेम है वो अभी उसी को प्राप्त करे। ये वीर रस की कहानियां हैं, यहाँ पर केवल वीरों की आवश्यकता है। भगोड़े लोग मैं चाहूंगा पहले निकल जाए, क्योंकि श्रृंगार रस वालों ने युद्ध कभी किया ही नहीं है, ये इतिहास में प्रमाण है। फिर वो बाजीराव मस्तानी हो या फिर वो कोई और व्यक्ति हो, इसलिए या तो श्रृंगार रस में आ जाओ या तो फिर पूरी तरह से वीर रस में आ जाओ लाल लालू। पर अगर जीवन का आनंद लेना है तो प्लीज आप कहीं और जाओ, कहीं और जाए। मेरा केवल एक ही सोल्यूशन है कि मुक्त का अगर आनंद लेना है तो कहीं दूसरी जगह कमेंट करो, क्योंकि ना तो हमारा तनाव बढ़ाओ ना ही हमारे लाल लालियों का तनाव बढ़ाओ। जो पढ़ने आए हैं ईमानदारी से बेचारे गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है और उनको कोई सहायता मिल रही है तो उनको यूज करने दो, और आप कहीं और जाओ जहां जीवन का आनंद लेने के लिए और भी लोग बैठे होंगे। प्लीज एक आखिरी बार रिक्वेस्ट है कि इधर उधर की बातें कम करिए और जो बात हम इस पर कर रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिएगा।